गत सप्ताह अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि पर देश और दुनिया ने श्रद्धांजलि दी, लेकिन जब भी अब्दुल कलाम जी का नाम आता है तो साइंस, टेक्नोलॉजी, मिसाइल, एक भावी भारत के सामर्थ्य का चित्र हमारी आंखों के सामने अंकित हो जाता है। आए दिन टेक्नोलॉजी बदलती है, आए दिन नया रूप धारण करती है, आए दिन नया प्रभाव पैदा करती है, वो बदलती रहती है। आप टेक्नोलॉजी को पकड़ नहीं सकते, आप पकड़ नहीं जाओगे तब तक तो कहीं दूर नए रूप रंग के साथ सज जाती है, और उसको अगर हमने कदम मिलाने हैं और उससे आगे निकलना है तो हमारे लिए भी रिसर्च और इनोवेशन, ये टेक्नोलॉजी के प्राण है। इनोवेशन नहीं होंगे तो जैसे ठहरा हुआ पानी गंदगी फैलाता है, टेक्नोलॉजी भी बोझ बन जाती है। और अगर हम रिसर्च और इनोवेशन के बिना पुरानी टेक्नोलॉजी के भरोसे जीते रहेंगे तो हम दुनिया में बदलते हुए युग में काल बाह्य हो जाएंगे, और इसलिए नई पीढ़ी में विज्ञान के प्रति आकर्षण, टेक्नोलॉजी के प्रति रिसर्च और इनोवेशन, और इसी के लिए सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं। और इसलिए तो मैं कहता हूं लेट अस एम टू इनोवेट कहता हूं तो मेरा एम का मतलब है अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक इरादा है कि इस एम के द्वारा, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, पूरे देश में एक इकोसिस्टम तैयार हो, इनोवेशन, एक्सपेरिमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक सिलसिला चले, और उससे नए रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ने वाली हैं। इनोवेशन के साथ सीधा सीधा संबंध आता है इंक्यूबेशन सेंटर का। हमारे पास सशक्त और समृद्ध अगर इंक्यूबेशन सेंटर है तो इनोवेशन के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, प्रयोग करने के लिए, उसको एक स्थिति पर लाने तक के लिए एक व्यवस्था मिलती है। नए इंक्यूबेशन सेंटर का निर्माण भी आवश्यक है और पुराने इंक्यूबेशन सेंटर को ताकत देने की भी आवश्यकता है। और जो मैं अटल इंक्यूबेशन सेंटर की बात करता हूं उसके लिए भी ऐसी बहुत बड़ी रकम देने की दिशा में सरकार ने सोचा है। हमने एक अटल ग्रैंड चैलेंजेस देश की युवा पीढ़ी को आह्वान किया है कि आपको समस्या नजर आती है, समाधान के लिए टेक्नोलॉजी के रास्ते खोजिए, रिसर्च कीजिए, इनोवेशन कीजिए और ले आइए। भारत सरकार हमारी समस्याओं के समाधान के लिए खोजी गई टेक्नोलॉजी को विशेष पुरस्कार देकर के बढ़ावा देना चाहती है।